इसमें कोई शक नहीं कि क्रिप्टो करेंसीज कई लोगों को बिलीनियर्स और मिलीनियर्स बना चुकी है, और शायद आप भी आजकल न्यूज़ में या काफ़ी लोगों को इसके बारे में बात करते सुनते होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग इसके बारे में सिर्फ न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स में पढ़ते हैं और बात करते हैं, पर सिर्फ कुछ लोग हैं जो इसके बारे में सीखते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फ्यूचर की सबसे बड़ी रिवॉल्यूशन का पार्ट बनने जा रहे हैं। तो हाय दोस्तों, अप्स एंड डाउन्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस रिवॉल्यूशन का पार्ट बन सकते हैं। दोस्तों, इंडिया में तीन सबसे बड़े और फेमस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैं, वजीरएक्स, कॉइनस्विच कुबेर और कॉइनडीसीएक्स। तो आइए हम एक एक कर इनके बारे में डिस्कस करते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं। नंबर वन, वजीरएक्स। वजीरएक्स 2018 में बना इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है और सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड इंडियन यूजर्स इस ऐप पर हैं, और 2019 से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बाइनेंस के अंडर आता है। वजीरएक्स अपने यूजर्स को एक प्रोफेशनल इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए जाना जाता है और इसे आप मोबाइल के साथ साथ डेस्कटॉप पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। अब आइए इसके चार्जेस के बारे में जानते हैं। तो वजीरएक्स अपने यूजर्स से पैसे डिपॉजिट करने पर लगभग 10 रुपीज़ तक चार्ज करता है और विड्रॉल पर 5.9 रुपीज़ तक। यानी कि अगर आप अपने अकाउंट से वजीरएक्स में रुपए ऐड करते हैं तो वो फीस लेता है, और जब आप उससे वापस अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर फीस लगती है। और इन ऐप्स में एक और फीस लगती है जो मेकर्स एंड टेकर्स फी कहलाती है, पर उसके चार्जेस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेकर्स एंड टेकर्स फी होती क्या है। तो मेकर्स फी तब लगती है जब क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन पार्शियली या कुछ समय बाद एग्जीक्यूट होता है, जबकि टेकर्स फी तब लगती है जब क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन तुरंत एग्जीक्यूट होता है। तो वजीरएक्स की मेकर्स फी है 0.02% और टेकर्स फी भी है 0.02%। नंबर टू, कॉइनडीसीएक्स। कॉइनडीसीएक्स 2018 में बनाया गया क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जो कि अपने एडवांस इंटरफेस के लिए जाना जाता है। इसे भी आप वजीरएक्स की तरह फ़ोन और डेस्कटॉप दोनों में ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर इसके चार्जेस की बात करें तो कॉइनडीसीएक्स डिपॉजिट पर कोई चार्ज नहीं लेता है और विड्रॉल पर इसकी कुछ फीस है जो कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी के अकॉर्डिंग वेरी करती है। पर अगर इसकी मेकर्स एंड टेकर्स फी की बात करें तो 0.1% है और इसके अलावा कोई चार्ज नहीं है। नंबर थ्री, कॉइनस्विच कुबेर। कॉइनस्विच कुबेर 2020 में बनाया गया एक इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, और अगर आप एक न्यू यूज़र हैं और इजी इंटरफेस चाहते हैं तो आप कॉइनस्विच कुबेर को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका इंटरफेस इजी टू यूज़ है और इसे भी आप मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों में ऑपरेट कर सकते हैं। बट इसमें काफ़ी सारे फीचर्स जैसे मल्टीपल करेंसीज में इन्वेस्ट करना वगैरह नहीं है, जो कि आपके वजीरएक्स या कॉइनडीसीएक्स में मिलेंगे। अगर कॉइनस्विच कुबेर के चार्जेस की बात की जाए तो ये डिपॉजिट, विड्रॉल या फिर मेकर्स या टेकर्स फी जैसे कोई चार्जेस नहीं लेता है, पर इसमें काफ़ी सारे हिडन चार्जेस हो सकते हैं जो कि अराउंड 1-2% होंगे। तो दोस्तों, ये रहे इंडिया के तीन फेमस प्लेटफॉर्म्स। इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी प्लेटफॉर्म को अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए चूज़ कर सकते हैं। बट दोस्तों, ये वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ऐप वाइज भी प्राइस वेरी करते हैं। मतलब कि अगर कोई ऐप आपको बिटकॉइन कुछ पैसों में ऑफ़र कर रहा है तो हो सकता है कि दूसरा ऐप आपको उससे बेटर प्राइस ऑफ़र कर रहा हो। तो ये भी एक चीज़ है इनमें कि ऐप वाइज भी इनके प्राइस वेरी करते हैं। और अगर आप मुझसे पूछें कि मैं किस प्लेटफॉर्म को सजेस्ट करूँगा तो मैं सजेस्ट करूँगा वजीरएक्स को। और अगर आप रीज़न जानना चाहते हैं कि मैं क्यों वजीरएक्स सजेस्ट कर रहा हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें। थैंक यू।